स्वर्गीय रामजी मौर्य राहुल के पक्ष चिन्हों पर चलते हुए समाजवादी नेता अभिषेक मौर्य सोनू विधानसभा 186 अमेठी की जनता की सेवा के लिए वचनबद्ध हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइमेशन। फिलहाल वक्त चला है देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा धर्मापुर पत्थरा में रहने वाले हयातुल्ला ने गांव के ही कुछ दबंगों पर उनके घर पर कब्जा करने और उनके साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। एजिकॉफ से पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है। बाराबंकी में पुलिस ने लखनऊ मार्ग पर एक ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने उस ट्रक से भारी मात्रा में झारखंड मार्ग का शराब बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनके कब्जे से पुलिस ने करीब 20 लाख रुपए तक की शराब भी बरामद की है। बस्ती में हरैया थाना में कर्मडार्ड गांव में मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में फायरिंग हो गई। इस दौरान वहां मौजूद एक शख्स को गोली लग गई जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। औरैया में सदर कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर चौकी में डाकघर चौराहे के पास कुछ बदमाश महिला के सोने के कुंडल लूट कर मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई जिसके बाद अब पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। महोबा के पनवाड़ी क्षेत्र के मसूदपुरा गांव में मौजूद खेतों में 40 वन संरक्षित पेड़ों को ग्रामीणों ने मशीन से काट गिराया। वही मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारियों ने 20 संदिग्ध लोगों पर हर पेड़ के हिसाब से 10,000 का जुर्माना भी लगाया है।